अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक्स का रिव्यू, जिनकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। ये क्रिस्टीन की प्रिंसेस लिपस्टिक्स हैं, जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगी। क्रिस्टीन का ब्रांड बहुत ही आम है, यानी कि आपको हर स्टोर से या ऑनलाइन भी ईजिली मिल जाता है। तो मैं आपको आज इन चार लिपस्टिक से स्वाच करके दिखाऊंगी। ये चारों के चारों डार्क शेड है, जो कि शादियों वगैरह के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन है। अगर आपकी शादी होने वाली है या आप शादियों पर लगाने के लिए लेना चाहते हो, तो आप ये ज़रूर बाय करें। और इनका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और ये बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं। तो ये जो मैं पहली लिपस्टिक स्वाच करने जा रही हूँ, इसका नंबर है 326 और इसका कलर कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि ऑरेंज पिंक और रेड का मिक्सचर है। बहुत ही मज़े का कलर है, ये लगाया हुआ बहुत ही बेहतरीन लगता है। अगर आप पार्टी वगैरह पर ये लगाएं तो बहुत ही हसीन लुक देता है और ये बहुत ही ग्लैमरस लगता है। नाइट फंक्शंस वगैरह पर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये क्रिस्टीन की लिपस्टिक जो कि आपको तकरीबन 150 to 200 तक ईजीली मिल जाती हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल हैं और पिगमेंटेशन भी इनकी अच्छी है। इनकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक आपकी चल जाती है। ये मैंने काफ़ी अरसा पहले की ली हुई है, लेकिन सिर्फ इनकी एक चीज़ ख़राब है कि इनके कैप थोड़े से लूज़ होते हैं और वो ढीले हो जाते हैं। तो ये जो दूसरा मैं स्वाच करने जा रही हूँ, 381 है इसका नंबर और ये बिल्कुल कैंडी पिंक टाइप का कलर है। बहुत ही मज़े का पिंक कलर है, ये ब्लैक और वाइट ड्रेस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसमें सारे ही कलर शेड्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ये बहुत मज़े का कैंडी सा पिंक कलर है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, फंकी सा कलर है। और इसका नंबर है 381 इसका नंबर है। और क्रिस्टीन की लिपस्टिक आपको इजीली मिल जाती है हर जगह से, बहुत ही मज़े के इसके कलर्स और शेड्स हैं। ये चारों के चारों शेड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही मज़े के हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो हमारा अगला कलर है वह भी बहुत ही ज़बरदस्त है और वो प्योर रेड कलर है। बहुत ही मज़े का ये रेड कलर है, आप इसकी हालत से अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने इसको कितना यूज़ किया है। बहुत ही ज़बरदस्त हाई डीप रेड कलर है, 190 इसका नंबर है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है लगाया हुआ। और ये मेरा फेवरेट रेड कलर है, बहुत ज़बरदस्त लगता है और इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है। इसके सारे के सारे शेड ही बहुत ज़बरदस्त हैं, जैसे आपको दिखा रही हूँ ये उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं रियल में। मैं आपको एंड पे फ्लैश ऑफ करके भी दिखा दूँगी कि ये किस तरह के लगते हैं फ्लैश के बगैर। ये जो मैं अगला कलर स्वाच कर रही हूँ, ये भी बहुत ही मज़े का शॉकिंग पिंक कलर है और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है और ये मेरा बहुत ही फेवरेट है मेहंदी वगैरह के फंक्शन के लिए। तो ये बहुत इंतहाई ज़बरदस्त है, इसका नंबर है 327 और ये बहुत ही मज़े का लगता है लगाया हुआ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका नंबर है 327 और ये टिंट के तौर पे अगर लगाएं तो ये बहुत ही मज़े का इफ़ेक्ट देता है। इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो टिंट के तौर पर लगाए जाएँ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको ये कैसे लगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे बताएं कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और अभी मैं आपको फ्लैश के बगैर भी दिखा देती हूँ कि ये फ्लैश के बगैर क्या कैसे कलर लगते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लैश के बगैर ये कितने हसीन कलर्स लग रहे हैं। एग्जैक्टली जो कलर है वो फ्लैश के बगैर नज़र आ रहे हैं। तो आप ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।